नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने विंडोज़ 10 में फास्ट बूट डिजेबल कर सकते हैं। तो फास्ट बूट डिजेबल करने का क्या फ़ायदा भी है, कई नुकसान भी है। वैसे फास्ट बूट अगर ऑन है तो उसका भी कई सारा फ़ायदा है कि आपका जो है सो सिस्टम जल्दी लोड हो जाएगा, लेकिन नुकसान भी है बहुत सारा। जैसे कि आपका अगर सिस्टम लो पावर का है, मतलब उतना ज़्यादा उसमें हार्ड ड्राइव में पावर नहीं, मतलब हार्ड ड्राइव में स्पीड नहीं, SSD नहीं है, या फिर रैम कमज़ोर है, तो ऐसे में जो है सो आपके लिए नुकसान हो सकता है। तो आज हम फास्ट बूट को डिजेबल करने का देखें कैसे डिजेबल कर सकते हैं। तो सिंपल सा बात है, आपको सर्च करना है, कंट्रोल पैनल ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी में जो है सो कैटेगरी ऐसा हो सकता है, तो इसको कैटेगरी में लार्ज आइकन पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर पावर ऑप्शन है, इस पर सेलेक्ट कर लीजिए। पावर ऑप्शन में जाने के बाद आपको मिलेगा व्हाट टू डू, चूज व्हाट द पावर बटन टू, इस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद ये खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सब चीज़ देख सकते हैं, टर्न ऑफ फास्ट स्टार्टअप है, लेकिन ये जो है सो बेसिकली अभी हाईलाइटेड नहीं है। तो इसको हाईलाइटेड बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है चेंज, और उसके बाद यहाँ पे इसको जो है सो अनचेक कर देना है। और उसके बाद जो जैसा है वैसा ही रहने देना है। इसको भी हम लगा देते हैं, जो जैसा है वैसा ही रहने देना है। और उसके बाद सेव कर देना है। और इससे जो है सो बेसिकली आपका जो है पावर बटन जो है सो उसके बाद फास्ट स्टार्टअप नहीं होगा, और उसके बाद आपका जो है सो नॉर्मल स्टार्टअप होगा हार्ड ड्राइव से। और ऐसे में एक और चीज़ होता है कि कभी कभी जो है डेटा को वो सेव कर लेता है आपके रैम में, ठीक है, तो रैम में सेव करता है फास्ट स्टार्टअप के लिए। तो ऐसे में होता यह है कि आपका जो प्रोग्राम आप पिछली बार ओपन करके रखे होंगे और उसको क्लोज किए बिना शट डाउन कर दिए होंगे, तो वो प्रोग्राम भी लोड ले लेता है, तो ये बड़ा अनोइंग होता है, तो हमको पसंद नहीं है ऐसा। तो इसलिए आप स्टार्टअप बंद कर सकते हैं, हम इसीलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि हमको नहीं चाहिए कि जो प्रोग्राम हम नहीं चलाना चाहते हैं और स्टार्ट करें और जो प्रोग्राम छोड़ के गए थे वो दोबारा से लोड हो जाए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस।